दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा प्रयोग बताने वाले हैं जो है तो बहुत छोटा, लेकिन एक बहुत बड़े रोग को ठीक करने में बहुत सहायक है। चर्म रोगों में नींबू का प्रयोग। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी छोटी सी चीज़ चर्म रोग के लिए इतनी अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं अपने 27 साल के अनुभव से ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि नींबू चमड़ी के रोगों का बहुत बड़ा साधन, इलाज का साधन है। नींबू का सेवन करना और नींबू को लोकल अप्लाई करना। सेवन के लिए इसको पानी में डाल के पिया जा सकता है, बिना नमक के, सिंपल पानी में, गर्म पानी में, या फिर सब्जी में डाल के खाया जा सकता है। और लगाने के लिए नींबू को के रस को आप सरसों के तेल में मिला के उसका उपयोग कर सकते हैं। नींबू हमारे शरीर में जो रक्त में विकार आ जाता है, जिसकी वजह से सारे चमड़ी के विकार पैदा होते हैं, उसमें से जो टॉक्सिन्स हैं, जो गंदी चीज़ें हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने में बहुत ही कारगर है। इसलिए जितने भी चमड़ी के रोग हों, किसी को भी हों, तो वो खासकर नींबू का प्रयोग शुरू करे तो उसके चमड़ी के रोगों में रुकावट आ जाएगी और सीरियसनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप इसके साथ साथ थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि टमाटर, जिसको हम हर रोज़ रूटीन में खाते हैं, ये थोड़ा सा इसको, इससे बचें। नींबू का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें और साबुन का प्रयोग ना करके, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि नींबू और मुल्तानी मिट्टी, इसको मिला के इससे नहाएं और इसी का लेप भी करें, तो आप कुछ ही समय में देखेंगे कि जो चमड़ी का रोग अंग्रेजी दवाइयों में बड़ी से बड़ी दवाइयां करके, इलाज करके भी ठीक नहीं हो रहा है, वो रोग बहुत जल्दी आपका ठीक होने लग जाएगा। इसके साथ साथ चमड़ी के रोगों का जो कारण रक्त विकार होता है, उससे और भी अनेकों रोग पैदा होते हैं। जब आप नींबू का सेवन करेंगे तो चमड़ी के रोग तो ठीक होंगे ही होंगे, साथ में आपका ब्लड प्रेशर, आपकी गैस बनना, आपके कॉन्स्टिपेशन और इस तरह के अनेकों मूत्र विकार, इस तरह के अनेकों विकार आपके ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप चमड़ी के रोगों में ज़्यादा दवाइयाँ ना खा के नींबू का प्रयोग करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।